स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सैलरी दोस्त लोन इजी एंड फास्ट लोन एप्लीकेशन से अगर आप सभी लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसके अंदर आप सभी को 1.5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। वहीं लोन रीपेमेंट समय की बात करें तो 3 मंथ से लेकर के 36 मंथ का आप सभी को यहाँ पे समय मिल जाता है। अगर आप सभी लोन लेना चाहे तो आधार और पैन कार्ड से आप सभी यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप सभी को लोन भी मिल जाता है, तो काफ़ी बेस्ट एप्लीकेशन है। तो दोस्तों अगर आप सभी लोन के लिए परेशान हैं, कहीं से आप सभी को लोन नहीं मिल पाया है तो इस एप्लीकेशन से आप सभी ले सकते हैं। तो अगर आप सभी लेना चाहे तो इसके अंदर अप्लाई कैसे करेंगे वो सारा तरीका इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप सभी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं किस प्रकार से आप सभी इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी प्ले स्टोर को ऊपर आकर के सर्च करेंगे, सैलरी दोस्त लोन इजी एंड फास्ट लेकर के सर्च करेंगे। तो इस एप्लीकेशन का लोगो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इसी एप्लीकेशन को आप सभी को इंस्टॉल करना है, तो यहाँ इंस्टॉल लिखा हुआ है, इस वाले पे क्लिक करके आप सभी जो कि इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पे फिलहाल इंस्टॉल हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम इस एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग की बात करें तो 1 मिलियन से प्लस लोग अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं। वहीं रेटिंग की बात करें तो 3.2 का इनका रेटिंग है, जो कि तकरीबन 34,000 से प्लस लोग अभी तक इस एप्लीकेशन को रिव्यू कर चुके हैं। तो अगर आपसे भी रिव्यू पढ़ना चाहें तो नीचे आकर के आपसे भी रिव्यू पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हम इसका अबाउट फीचर मैं आप सभी को बता देता हूं। किसी भी एप्लीकेशन के अंदर अगर आप सभी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो टर्म एंड कंडीशन जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों यहां पे आप सभी को मिनिमम 5 ईयर से लेकर के मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का यहां पे ये एप्लीकेशन जो कि आप सभी को लोन प्रोवाइड कर देती है। तो यहाँ पे फीचर्स में आप सभी देखेंगे गाइस, 1.5 लाख रुपए तक का यहाँ से आप सभी को लोन मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो मैक्सिमम आप सभी को 36% तक आ सकता है। रीपेमेंट समय की बात करें तो 3 मंथ से लेकर के 36 मंथ का आप सभी को यहाँ पे समय मिल जाता है। लो प्रोसेसिंग फीस है यहाँ पे 500 से लेकर के 750 के बीच का आप सभी को यहाँ पे प्रोसेसिंग अमाउंट जो कि आ जाएंगे। इंस्टेंट बैंक अकाउंट में आप सभी को लोन अमाउंट जो कि ट्रांसफर कर दिया जाता है। 100% यहाँ पे पेपरलेस है, कोई भी आपके घर पे कोई भी पेपर ऊपर का यहाँ पे आप सभी को झंझट नहीं रहेगा, घर पे कोई भी पेपर वर्क नहीं होगा, बिल्कुल इंस्टेंट आप सभी यहाँ पे अप्लाई कीजिए और यहीं पे आप सभी को इंस्टेंट जो कि लोन अप्रूव हो जाएगा और अकाउंट में ट्रांसफर भी हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें सो गाइस, तो इंडियन पर्सन होना चाहिए, सैलरी इंडिविजुअल होना चाहिए और आप सभी का एज जो है वो कम से कम 18 ईयर्स होना चाहिए और मिनिमम सैलरी आप सभी का मंथली यानी कि 12,000 रुपये होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ है तो आप सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर की बात करें सो गाइस, तो यहाँ पे आप सभी को पैन कार्ड एंड आधार कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट तो आप सभी के पास होते ही है, तो बस ये 3 ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए। इसके बाद आप सभी को यहाँ पे लोन अमाउंट जो कि मिल जाएगा। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, तो चलिए मैं आप सभी को कुछ एग्जांपल जो कि बता देता हूँ। सो गाइस, तो मान लीजिए अगर आप सभी यहाँ से 50,000 रुपये का लोन लेते हैं तो आप सभी को प्रोसेसिंग फीस जो आएगा वो आएगा यहाँ पे 750 रुपये प्लस 18% GST लगेंगे, तो 885 रुपये हो जाएंगे आप सभी के GST। एंड यहाँ पे आप सभी को ये जो लोन अमाउंट मिलेगा 50,000 6 मंथ के लिए अगर मिलता है तो इंटरेस्ट आप सभी को 24% पर एनुअल के हिसाब से आ जाएगा। तो इंटरेस्ट अमाउंट आप सभी का हो जाएगा 3,558 रुपये और आप सभी के अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा 49,115 रुपये और आप सभी का मंथली EMI जो आएगा 8,926 रुपये। टोटल पेमेंट करना होगा आप सभी को, यहाँ पे देख सकते हैं गाइज की 53,556 रुपये 6 मंथ में आप सभी को टोटल यहाँ पे रीपेमेंट करना होगा। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए आप सभी यहाँ पे 50,000 का लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ इसी तरीके से आएगा। तो मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, चलिए इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज आप सभी के सामने आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को भाषा जो कि सिलेक्ट कर लेना है, तो हम इंग्लिश में ही इस्तेमाल करेंगे। तो नीचे कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से आप सभी को एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस वाले पे क्लिक कर लेना है। करने के बाद यहाँ से जो भी फीचर्स आएगा इन सभी को आपको यहाँ पे अलाउ करना होगा। उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। सो गाइस, तो यहाँ पे अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है एंड कंटिन्यू वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। करने के बाद दोस्तों आप सभी के मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ईमेल आईडी जो कि आप सभी को सिलेक्ट कर लेना है।
जो भी ईमेल आईडी आप इनके साथ लिंक करना चाहते हैं वो ईमेल आईडी आप सभी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप सभी यहाँ पे एक ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेंगे तो आप सभी का ईमेल आईडी यहाँ पे दिख जाएगा। और आप सभी को क्या करना है, फर्स्ट नेम यहाँ डालेंगे एंड लास्ट नेम आप सभी को यहाँ पे फिल करना है। करने के बाद इस बॉक्स में आप सभी को चेक मार्क करना है, उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है इस वाले पे आप सभी को क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे कितना का लोन अमाउंट यहाँ पे अप्रूव हो रहा है, 7000 रुपये का लोन यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे मिल रहा है। तो यहाँ से हम चाहे तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से है। आप सभी चाहे तो 2 लाख रुपये तक का भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे 15000 रुपये सेलेक्ट कर, देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे 15000 रुपये जो कि सिलेक्ट कर लिया हूँ उसके बाद 4 मंथ के लिए, तो मेरा ईएमआई क्या क्या आएगा वो आप सभी यहाँ पे समझ लीजिए। मेरा पहला ईएमआई आएगा दोस्तों 4193 रुपये का, दूसरा भी उतना ही आएगा, तीसरा भी उतना ही आएगा और चौथा ईएमआई भी उतना ही आएगा। टोटल कितना पेमेंट करना होगा, 16775 रुपये। तो लेना चाहे तो आप सभी को यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले पे क्लिक करना है। तो अगर मान लीजिए आप सभी यहाँ से ज़्यादा मंथ के लिए लेना चाहते हैं तो वो भी आप सभी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 15000 अगर हम लेते हैं तो 5 मंथ का ही समय मिलेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम 5 मंथ कर लेते हैं तो अब गाइस आप सभी यहाँ पे देखेंगे कि 3443 रुपये का मेरा सभी ईएमआई जो कि यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। टोटल पेमेंट करना होगा 17219 रुपये। तो मान लीजिए अगर हमको ये लोन लेना है तो आप सभी को क्या करना होगा गाइस, यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन है इस वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। करने के बाद कुछ डिटेल आप सभी को यहाँ पे फिल करना है। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं पर्पस यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप किस चीज़ के लिए लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप आप सभी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जॉब टाइप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इंटर डेस्टिनेशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आप सभी कितने दिन से जॉब करते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, टोटल एक्सपीरियंस क्या है यहाँ डालेंगे, इंटर सैलरी क्या है यहाँ डालेंगे। और डालने के बाद नीचे सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ डिटेल और आप सभी को फिल करना है। तो आप सभी का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक जो कि आ जाएगा, फर्स्ट में जो आप सभी नाम फिल करेंगे वही नाम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, फादर एंड हस्बैंड नेम, अगर आप सभी फादर्स नेम जो है यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, मैरिटल स्टेटस आप सभी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आप सभी शादीशुदा है तो यहाँ पे मैरिड वाले में करेंगे, सिंगल है तो सिंगल वाले में सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे जेंडर आप सभी को सिलेक्ट करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद करेंट एड्रेस आप कहाँ पे अभी रह रहे हैं वो एड्रेस आप सभी को यहाँ पे फिल करना है। एड्रेस में आप सभी को लैंडमार्क, ओनरशिप टाइप, इंटर एरिया, पिन कोड जो है वही डालेंगे, नेम सिटी का नाम क्या है वो यहाँ डाल लेंगे। और डालने के बाद इंटर यहाँ स्टेट डालेंगे, आपका स्टेट का जो नाम है यहाँ पे डालेंगे। परमानेंट एड्रेस कहाँ का है यानी कि आप परमानेंट कहाँ रहते हैं वो एड्रेस आप सभी यहाँ पे डाल लेंगे। और डालने के बाद नीचे सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन है, इस वाले पे आप सभी को क्लिक कर लेना है। जैसे ही ये डिटेल आप सभी यहाँ पे फिल करते हैं तो आप सभी को लोन अमाउंट जो कि देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ जैसे ही आप सभी यहाँ पे फिल कर लेंगे तो दोस्तों आप सभी को लोन अमाउंट जो भी मिलेगा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप सभी अपना बैंक अकाउंट ये सब ऐड करेंगे और करने के बाद दोस्तों आप सभी यहाँ से लोन के लिए जो कि अप्लाई कर लेंगे और आप सभी को लोन जो कि अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो भी अमाउंट मिलेगा वो आप सभी को लोन अमाउंट जो कि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अभी फिलहाल लूँगा नहीं, मैं तो बस आप सभी को प्रोसेस बता रहा था कि किस तरीके से आप सभी लोन के लिए अप्लाई करेंगे। तो कुछ इसी तरीके से आप सभी लोन के लिए अप्लाई कर लेंगे और आप सभी को यहाँ से निश्चित जो कि लोन मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।